अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के एक कदम आगे हासिल की है। इंसान तब तक नहीं हारता है जब तक कि वो अपने दिमाग में हार ना मान ले। जब आपकी इच्छाएं मजबूत होंगी तो आपको लगेगा कि आपके अंदर उन्हें पूरा करने की अलौकिक शक्ति आ गई है। जिस प्रकार आंखों को देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे दिमाग को समझने के लिए विचारों की जरूरत होती है। डर मन की एक स्थिति के अलावा कुछ भी नहीं है। लक्ष्य एक समय सीमा के साथ देखा गया सपना है। हर एक कामयाबी और दौलत की शुरुआत एक विचार से होती है। इच्छा ही सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु है। इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता। एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में 10,000 बार विफल हुए। यदि आप कुछ बार विफल हो जाते हैं तो हिम्मत मत हारिए। कार्यवाही बुद्धिमत्ता का असली मापदंड है। जीवन में आपको जो भी अवसर चाहिए वो आपकी कल्पना में प्रतीक्षा करते हैं। कल्पना आपके मस्तिष्क की कार्यशाला है जो आपके मन की ऊर्जा को सिद्धि और धन में बदल देती है। कोई भी सुझाव, योजना या उद्देश्य मन में विचार को बार बार दोहराकर बैठाया जा सकता है। बड़ा वेतन और छोटी जिम्मेदारी शायद ही कभी एक साथ पाए जाते हैं। विचार सारे भाग्य का प्रारंभिक बिंदु है। अपने विजन और सपनों को इस तरह संजोएं जैसे कि वो आपकी आत्मा के बच्चे हों। आपकी उपलब्धियों की मूल योजना यही होनी चाहिए। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत इसे क्रियान्वित करने की शुरुआत कर दें, चाहे आप तैयार हों या नहीं। शिक्षा भीतर से आती है, आप इसे संघर्ष, प्रयास और विचारों से पाते हैं। हर कोई उस तरह का काम करने में आनंद उठाता है जिसे करने के लिए वह उपयुक्त है। आमतौर पर महान उपलब्धियां महान बलिदानों का फल होती हैं और कभी भी स्वार्थ का परिणाम नहीं होती। प्रसन्नता करने में पाई जाती है, रखने में नहीं। अगर आप महान चीजें नहीं कर सकते तो छोटी चीजों को महान तरीके से करिए। यदि आप स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तो स्वयं आप पर विजय प्राप्त कर लेगा। अच्छी तरह से जान लीजिए, आपको आपके सिवा कोई और सफलता नहीं दिला सकता। यदि आप खुद को अपनी कल्पना में अमीर होते हुए नहीं देखते हैं तो आपको बैंक बैलेंस में यह कभी नहीं दिखाई देगा। यह सचमुच सत्य है कि आप दूसरों को सफल होने में मदद करके सबसे तेजी और अच्छे से सफल हो सकते हैं। यह जानने में कि जीवन खुद से करने का प्रोजेक्ट है, आधी जिंदगी चली जाती है। जब असफलता मिलती है तो यह संकेत देती है कि आपकी योजनाएं सही नहीं हैं, तो अपनी योजनाओं का पुनर्निर्माण करें और अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ जाएं। एक सकारात्मक दिमाग काम करने के तरीके ढूंढता है, जबकि एक नकारात्मक दिमाग उन सभी तरीकों को ढूंढता है जिससे काम नहीं किया जा सके। सफलता का एक ही तरीका है, निरंतर सीखते रहना। रुको मत, समय कभी सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं से शुरू करें और मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल करें और काम करें। ऐसे लोगों की संगत में रहें जो आपको अपने सपनों के जीवन के बारे में सोचने और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप अपने भाग्य के मालिक हैं। आप अपने खुद के वातावरण को प्रभावित, संचालित और नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने जीवन को वही बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। हमारी औकात वही है जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। डिप्रेशन का कारण यह है, फसल की बुवाई से पहले ही काटने की कोशिश करना। जितना अधिक आप देते हैं उतना ही लौटकर आपके पास आता है। बोलने से पहले दो बार सोचें, क्योंकि आपके शब्द और प्रभाव दूसरे के दिमाग में सफलता या असफलता का बीज बो देंगे। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और एक बार शुरुआत करें, चाहे आप तैयार हों या नहीं, इस योजना को अमल में लाएं।
कुछ लोग सफलता का सपना देखते हैं, जबकि अन्य लोग जागते हैं और इसे साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हार मानने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। मुझे बताएं कि आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करते हैं और आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप अभी से 10 साल में कहां होंगे और क्या करेंगे। कोई भी चीज तब तक आपके लिए तैयार नहीं होती जब तक आपको विश्वास ना हो कि आप इसे हासिल कर सकते हो। जीवन में आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान लगाएं, जो आप नहीं चाहते हैं उस पर नहीं। सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं एक ही समय में मन पर कब्जा नहीं कर सकती हैं। आपका जीवन आपके अपने विचारों के प्रतिबिंब को दर्शाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत होकर कार्य करते हैं। दिमाग की कोई सीमा नहीं है सिवाय उनके जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों ही अपने विचारों के उत्पाद हैं। अवसर अक्सर दुर्भाग्य या अस्थाई हार के रूप में छुपा होता है। केवल इंसानों में अपने विचारों को भौतिक वास्तविकता में बदलने की शक्ति होती है। केवल इंसान सपने देख सकता है और उन्हें साकार कर सकता है। दिमाग के बिना पैसा हमेशा खतरनाक होता है। आपका बड़ा अवसर शायद वही हो जहां अभी आप हैं। जितना सोना धरती से निकाला गया है उससे कहीं ज्यादा लोगों के विचारों से निकाला गया है। कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता जिसे वह पसंद ना करता हो। पाने से पहले दीजिए।